हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए कुछ मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, मारक को 4.5 घंटे में 220 किमी की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर आवर की गति से चलने वाली बस से फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसके द्वारा बस द्वारा कितने समय में यात्रा की गई? तो बस कितने में, ट्रेन ट्रेन का हो गया उसका 60 किलोमीटर और बस का हो गया 40 किलोमीटर, दोनों का हो गया 220/4.5 घंटे, मतलब 9/2, 9 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 440/9, 440/9, तो ये 9 6 54, 540 में से 440 चला जाएगा तो इधर आ जाएगा 100/9, इधर 9 6 36, 360, 360 में से 440 चला जाएगा तो 80/9, 9 से 9, 0 से 0, ये हो जाएगा 4:5, 4:5 मतलब कितने समय तक यात्रा की उसने, 4.5 घंटा, और अनुपाता का योग 4 + 5 9, तो बस द्वारा कितना 5 पॉइंट जाएगा, नीचे आ जाएगा 0, ये चला जाएगा उससे 2 बार, 5/2 मतलब 2.5 घंटा। आगे देखे स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन, एक जूट बैग को 45 में खरीदने पर आयुष्मता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 75, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 45, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा 45, 45/ ये उसका क्रय मूल्य 120 पे, 0 से 0, 5 से 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 5 से 45 9 बार, 9 × 6 = 54 रुपया। आगे देखे स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक साथ एक काम करते हुए एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में, 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि 8 घंटे साथ काम करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ये खुला रहता है, 8 काम 8 घंटे मतलब 16 घंटे और काम करना है ए और बी को, तो इसे बढ़ने में कुल 28 घंटे लगते हैं। 28 मतलब 16 घंटे अगर काम कर रहा है तो उसको कितना घंटा ज्यादा लग रहा है, कितना घंटा लग रहा है उसको, 20 घंटा लग रहा है। 16 घंटा काम कर रहा है तो उसको 20, तो ये चला जाएगा 8 से 2 बार, ये चला जाएगा 2 से 8 बार, 2 से चला जाएगा 8 बार, ये 2 से चला जाएगा 10 बार, तो 8 काम करने में 10 घंटा, तो 24 काम, 8 या 24 × 3 है तो इसको भी × 3, एक को कितना घंटा लगेगा 30 घंटा। आगे देखे स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, 3 + 3 + 3 + 132 48 × 52 + 52 + 4 और 4 + 9, 4 + 9 हो जाएगा 13 13, ये इससे मल्टीप्लाई 132 और 48 को 52 से मल्टीप्लाई करना है और इसके अंदर 16 जोड़ना है, 132 48 × 52 + 13 + 3 = 16, ये जोड़ना है, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखे स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था जबकि निकल और जस्ते का अनुपात इसमें क्या था, जर्मन सिल्वर में तांबा तांबा और जस्ते का अनुपात कितना था,
21 अनुपात और 16, और निकल और जस्ते का अनुपात, जस्ते निकल और जस्ते का अनुपात, निकल का कितना है 7 और जस्ते का कितना है 24। तो जस्ते का, इन दोनों जस्ते का आ जाएगा एलसीएम 48, 24 दुना 48, 16 48, ये हो जाएगा 61:63 अनुपात 48:14। तो इसमें मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल का अनुपात, तो तांबा, जस्ता और निकल का अनुपात 63:48:14। आगे देखें स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, सारथी ने एक बैंक में 3,125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज दे है। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो अर्जित ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना है 3,125, दर कितनी है 8%, समय कितना है 5 वर्ष, बटा 100। तो ये 25 से ये 25 से चला जाएगा 4 बार, ये 25 एकम 25 है, 25 दुना 50 12, 25 पंजे 125, ये 25 से चला गया, फिर 4 से ये चला जाएगा 2 बार, ये 125 × 2 250 250 × 5, 250 × 5 हो जाएगा 1,250 रुपया। आगे देखें स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, 0.6 को भिन्न में बदलो, तो 0.6 को भिन्न में बदलने के लिए हो जाएगा 6/9, ये चला जाएगा 3 से, 3 × 6 3 × 9 2:3। आगे देखें स्टूडेंट, आठवां क्वेश्चन, 60 m 54 का लेस है, तो 60 और 54 का लेस है, तो ये चला जाएगा 6 से, 6 × 60 6 × 54, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6 × 10 × 9 6 × 10 × 9, तो ये 9 × 6 = 54, इसका एलसीएम आ जाएगा 540। आगे देखें स्टूडेंट, नौवां क्वेश्चन, लकड़ी के एक टोकरी जो 1.8 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और 1.2 मीटर ऊंची है, लोहे के घन से भरा हुआ है जो 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, टोकरी में फिट आ जाने वाले लोहे के घनों की संख्या, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1.8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो ये हो जाएगा 1.80, फिर 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 150, और 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 120। तो 180 × 150 × 120, और घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब, मतलब 6 × 6 × 6, तो 6 से चला जाएगा 6 × 12 = 20, ये 6 से चला जाएगा 30, 6 से 30, ये 6 से ये 5 बार, तो ये हो जाएगा 750 × 20, 750 × 20, तो ये हो जाएगा 1500 15000। आगे देखें स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है, यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है, ये हो जाएगी कुर्सियां और ये हो जाएगी मेज, कुर्सियों कितनी है 9 और मेज कितनी है 7, तो कुर्सियों की संख्या मेजों से कितनी अधिक है 42, अनुपात में कितनी अधिक है 2, तो अब इसमें कुर्सियों की संख्या 9, ये चला जाएगा 21 × 9 189। आगे देखें स्टूडेंट, 11वां क्वेश्चन, सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, सनी प्लस पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में, जबकि पाउला उसी काम को अकेला 18 घंटे में, एक अन्य व्यक्ति
जन जो अकेला उसी काम को 45 घंटे लगाता है, तो जन कितना घंटा लगाता है? 45। तो इन सबका लघुत्तम 180। ये चला जाएगा इससे 15 बार, ये 10 बार, ये 4 बार। उसी काम को पूरा करने के लिए शनि और जैन कितने घंटे लगाएंगे? तो शनि और जैन ये कितना लगा रहा है? ये 10, ये 5। तो 5 और 4 9, 180/9, तो ये हो जाएगा 20 घंटे। आगे देखे स्टूडेंट, 12वां क्वेश्चन, 144, 144 भाग बड़ा कोष्टक 40 माइनस मझला कोष्टक 37 छोटा कोष्टक 25 माइनस 7 चौक 28, 8 चौक 32, 25 माइनस 4 छोटा मझला और बड़ा। तो 144/40 माइनस ये 25 में से 4 चला जाएगा, 25 में से 4 21, 37 में से 21 चला जाएगा, 37 में से 21 16, 37 में से 21 16। अब 144/40 माइनस 16, 40 में से 16 चला जाएगा तो कितना? 24। 144/24 ये हो जाएगा 6 बार। आगे देखे स्टूडेंट 13वां क्वेश्चन, 17 956 का वर्गमूल। तो 17 956 दो दो के जोड़े बना लेंगे, ये 3 का बनेगा एक लाइन, तो ये हो जाएगा 13 का होता है 13 का 169, 169 ये हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 1056। तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 ये चला जाएगा, 13 दूना 26 5, 5 25, 5 25, 5 25 ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो हो जाएगा 4 से जाएगा, ये 4 से, 4 चौक 16 का 6 हासिल किए, 6 चौका 24 रे 25 का 5, 4 दूनी 8 और 2 10, 1056 से 1056 ये हो जाएगा 134 का स्क्वायर। आगे देखे स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, दूध की कीमत 20% बढ़ गई, वे को उतना ही रखने पर वर्तमान उपभोग पर कितनी कमी करनी हो गई? दूध की कीमत 100 से कितनी हो गई? 120। कितना कम करना है अपन को? 20। कितने पर? 120 पर इंटू 100। ये चला जाएगा 6 बार, ये चला जाएगा 5 बार, 100/6, 6 एकम 6 संग 36 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। आगे देखे स्टूडेंट 15वां क्वेश्चन, 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4600 पर 5 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। पॉइंटर जाएगा नीचे आ जाएगा 10, 1 2, 2 0 से 2 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से ये चला जाएगा 23 बार, 45 × 23, 45 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 × 23, 5 15 का 5 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 12, 10 और 12 और 22 और 23 का 3 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1035। आगे देखे स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर व्यास के ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 मिलीमीटर होता है। तार की लंबाई, तो गोले का आयतन, गोले
का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 42 सेमी व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 इंटू 21 बराबर ये हो जाएगा 7/10 इंटू 7/10 आर स्क्वायर इंटू एच निकालना है अपन को। 7 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 से ये, 7 से ये, फिर 3 बार, 3 बार, तो 21 63 63 इंटू 4, 63 इंटू 4, 6 चौका 24, 240, ये हो जाएगा 252, 252 इंटू 10, 52 इंटू 100, ये हो जाएगा 25 200 mm, mm मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के पर 100 से गुणा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, नहीं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो ये 3, ये हो जाएगा 25.2 मीटर। आगे देखे स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, √45 इंटू √20 भाग √12 इंटू √3, तो √45 हो जाएगा 3/5 इंटू 4/5 भाग 4/3 इंटू √3, तो हो जाएगा 4 × 3 = 12 इंटू 5/4 इंटू 3, 3 से 4 बार, 4 से 4 इसका जाएगा मान 5। आगे देखें स्टूडेंट 18वां क्वेश्चन, एक नदी के ऊपर 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक खोने वाले को कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे, 8 घंटे नदी के ऊपर, नदी के ऊपर मतलब ए माइनस बी बराबर 8 और ए प्लस बी बराबर कितना? 5। तो स्थिर पानी में तो एक मान निकालना है अपन को, एक मान 8 + 5/2, 8 × 5 = 13/2 का माना जाएगा 6.5। आगे देखें स्टूडेंट 19वां क्वेश्चन, 150 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं और 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं? 18। ये हो जाए, ये इस साइड हो जाएगा कबड्डी और ये हो जाएगा खो खो, 18 ये खेलते हैं, 78 छात्र कबड्डी, तो 18 18 में 18 और इसके अंदर 78 में 18 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। अब 78, 150 माइनस 78, 150 माइनस 78 हो जाएगा 72, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं? खो खो 78 और ये 72 और तो 90/2, कुल कितने? 150, तो 0 से 0, 15 6 90, 60%। आगे देखें स्टूडेंट 20वां क्वेश्चन, शॉपिंग मॉल में 20% की छूट के बाद 2990 में एक हैंडबैग बेचा गया। यदि हैंडबैग को चिन्हित कीमत 4,600 थी तो हैंडबैग का मूल्य ज्ञात कीजिए। हैंडबैग का मूल्य छूट देने के बाद। आगे देखें स्टूडेंट, सोमा की वार्षिक आय 15 इकाई 2/10 हजार 10 लाख 10 लाख 15 लाख थी। वह हर महीने 30,000 का ईएमआई देती है, तो उसका मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई को जाता है?
ये उसका पूरा वेतन हो गया 15 लाख। 15 लाख में 12,000, अपन 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 तीन, 1 लाख, और उसका 25,000 रुपया उसका ये हो गया पर मंथ का। तो उसका मासिक वेतन वो कितना ईएमआई देती है? 30,000, 30,000 बटा 1,25,000 इंटू 100। एक दो तीन, 1, 2, 3, 25, चौक 100, 25 पंजे 5 से 6 बार, 6 चौका 24%। आगे देखें स्टूडेंट्स, 22वां क्वेश्चन। घड़ी में 2:41 PM पर घंटे और मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया वे कोणों में सबसे छोटा कोण? तो ये है अपनी घड़ी, इसमें यहाँ पे होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 9। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और 10 और 11, 2:41, ये 2:41 यहाँ होगा उसका। तो 2:41 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30, 60, 90, 30, 60, 90, 120, 150 और 270, 270 प्लस 6 डिग्री वो और चली गई, तो 276 डिग्री मिनट वाला चल गया, माइनस घंटे वाली, घंटे वाली 1 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 41 मिनट में 20.5, तो ये इससे कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 255.5। ये तो हो गया बड़ा कोण। अब छोटा कोण निकालना है, तो 360 माइनस 255.5, 5 इधर आ जाएगा, 9, 9 में से 5 चला गया 4, 9 में से 5 चला गया 4, 0, 1, 104.5 डिग्री। आगे देखें स्टूडेंट, 23वां क्वेश्चन। 4 संख्याएं ए बी सी डी ऐसी है जिनका समग्र औसत 23 है, ए बी का औसत 19.5 है, तो सी डी का औसत, 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 4 × 23, 4 × 23 ये हो जाएगा 4 × 12 = 2, ये हो जाएगा 92। ए प्लस बी का औसत कितना हो जाएगा? 19.5, मतलब 39, 39, तो 92 में से 39 चला जाएगा, 92 में से 39 चला गया, तो 3, 3 और 8, 8 में से 3 चला गया, तो 5, 53, 53 किसका बच गया? सी प्लस डी, इसमें अपन 2 का भाग देते हैं, 26.5। आगे देखें स्टूडेंट, 24वां क्वेश्चन। एक थैले में नीली और लाल गेंदों की नियत अनुपात है, जब इनमें 84 लाल गेंद थी तो नीली गेंदों की संख्या, जब इसमें 84 रेड गेंद थी तो ब्लू गेंदों की संख्या कितनी थी? 36, 36, 6 एकम 6, 6 चौका 24, ये हो जाएगा 7:3, अगर 7 ही है तो 3 ही है। यदि नीली गेंदों की संख्या 54, अगर ये 54 है, 54 बटा 3 बटा 3, तो लाल गेंदों की 7, ये चला जाएगा 18 से, 8 × 7 = 56, 8, 7 × 8 = 56 का 6, हासिल की 5, 7 और 5 = 12, 126 गेंद होगी रेड। आगे देखें स्टूडेंट, 25वां क्वेश्चन। 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटे में भर सकते हैं, ए और बी, कितने घंटे में? 42 और 56 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, ये दोनों भरने वाले, तीसरा खाली कर सकता है, तीनों का लघुत्तम 42 और 56 और 32,
बयालीस छप्पन बत्तीस दो से इक्कीस बार, दो से अट्ठाईस बार, दो से सोलह बार, दो से सोलह बार चार से, ये चार, चार से चार सन अट्ठाईस, चार संते अट्ठाईस, चार चौक सोलह, इक्कीस का इक्कीस, सात से सात या इक्कीस, एक और चार चार ती बारह इंटू बारह इंटू सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस दूना छप्पन, छप्पन इंटू बारह तो ये हो जाएगा इधर बारह और बारह, छप्पन इंटू बारह पांच सौ साठ, और पांच सौ साठ और 112 दो सात छह सौ बहत्तर, छह सौ बहत्तर पूरा है तो छप्पन का भाग दें तो 12 बार, सात इसका 42 का भाग देंगे तो 16 बार, 32 का चार चौक 16, 16 दुना 32, 32 का भाग देंगे तो 21 बार। यदि तीनों पाइपों को समान समय पर चालू किया जाता है तो कितना, छह सौ बहत्तर, 16 और 12, 16 और 12 28 बनने वाला और 21 खाली करने वाला, सात की स्पीड से भरेगा तो सात सातु सात उनचास, सातु अठा छप्पन, सात नौ तिरसठ, सात नौ तिरसठ चार, सात छी गु बयालीस, छियानवे घंटे। आगे देखे स्टूडेंट्स छब्बीसवा क्वेश्चन, तीन सात दो आठ चार पाँच छ, तीन सात दो आठ चार पाँच छ में ज्ञात कीजिए, में सात का अंकीय और स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए, तो सात का स्थानीय मान हो जाएगा सात जीरो 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 और जीरो प्लस अंकीय मान सात, तो हो जाएगा सात जीरो 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 सात। आगे देखें स्टूडेंट सत्ताईसवा क्वेश्चन, तीन महीनों के लिए निवेश किए गए 875 पर 21 ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज प्रतिवर्ष, तो 21 कितने महीने का मिला, तीन महीने का, अपन को कितने महीने का चाहिए, 12 महीने का, तो तीन से सात बार, बारह बारह स्ताम चौरासी, चौरासी बटा 875 इंटू 100, ये 25 चौक सौ, पच्चीस पिचहत्तर, पच्चीस पिचहत्तर, ये चला जाएगा पांच बार, सात पंजे पैंतीस और बारह स्ताम चौरासी, बारह चौक अड़तालीस बटा पांच, ये हो जाएगा नौ पॉइंट, नौ पॉइंट पांच छिगुतीस, नौ पॉइंट छ। आगे देखे स्टूडेंट ए बी सी एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को कितने दिन में, 45 दिन में, ए प्लस बी उसको 54 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को पूरा करने में 90 दिन, बी प्लस सी उसी कार्य को पूरा करने में 90 दिन, तो ये हो जाएगा 540 इसका एलसीएम, ये आ जाएगा 12 बार, ये आ जाएगा 10 बार, ये आ जाएगा 6 बार, बी अकेला, तो ए बी सी की स्पीड 12 की है, ए बी की कितनी हो जाएगी 6 की, सी की कितनी हो जाएगी 6, सी की कितनी, सी की हो जाएगी 2, तो सी की 2 है तो बी की हो जाएगी 4, तो 540 4 की स्पीड से काम करेगा, 4 एकम 4 14, 4 ती 12 2, 4 पंजे 20 135 दिन। आगे देखे स्टूडेंट 29वां क्वेश्चन, सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, अब से 3 साल बाद वर्तमान, सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु कितने, 5:4, अब से 3 साल बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 11:9, तो 9 पंजे 45 और 11 चौक 44, अक्ष बराबर 11:33 और 9:27 6, अक्ष बराबर 6, तो इसकी हो जाएगी 6 चौका 24 और इसकी हो जाएगी 6 पंजू 30, ये तो उसकी थी, ये वर्तमान आयु है, तो चिराव, चिराव की आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। आगे देखें स्टूडेंट 30वां क्वेश्चन,
दो प्रकार के साधारण नमक जिनका क्रमशः 7.20 और 4.40, 7.20 और 4.40, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि 6.3 की दर पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। तो 16 43 49 50/300, 0 से 0 1/6, मतलब 63 में बेचने पर 7 × ऊपर चला जाएगा 6 पॉइंट आ जाएगा नीचे, 7 × 1 = 70, 7 × 9 = 63, 9 × 6 = 54, 5.4, 4.4 पांच और 5.4 इधर हो जाएगा 1, इस अनुपात में 1 और इधर 54, ये 1.8, तो पॉइंट आ जाएगा इधर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 से 5 बार, ये 2 से 9 बार, 5:9 के अनुपात में मिलाना होगा। आगे देखे स्टूडेंट 31वां क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुना है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो 400, फिर 5, फिर 6, फिर 22 और फिर 75। तो प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस है 6 और 22 के बीच, तो इसका आ जाएगा माइनस, और गुना का अर्थ भाग, तो गुना गुना है इसके बीच, तो यहाँ आ जाएगा भाग, भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ हो जाएगा प्लस और माइनस का अर्थ हो जाएगा गुना, तो माइनस है तो इधर हो जाएगा गुना, तो इसके अंदर आ जाएगा 80, 80 × 6 − 22 + 75, ये 540 − 22 + 75, तो ये प्लस, इसमें 22 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 3, 9 और 5, 593। आगे देखें स्टूडेंट 32वां क्वेश्चन, एक को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त हुआ जिसमें से वह 1/3 हिस्सा दान कर देता है। यदि उसने 16,858 दान किए तो उसके पिता की संपत्ति 16,858, ये 1:1 था और उसको कितना अनुपात मिला था 2, ये हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 2 से 8 = 4 = 29, 8 × 2 = 9 × 3 × 5, तो ये हो जाएगा इससे 3, 3 से 3, 9 = 27 का 7 हासिल की 2, 3 × 2 = 6, 2 = 8, 6 × 2 = 8, 3 × 4 = 12 का 2 हासिल की 1, 3 × 8 = 24, 1 = 25, 5 × 5 = 35, 5 × 7 = 35 का 5 हासिल की 3, 5 × 8 = 40, 40 × 3 = 43 हासिल की 4, 5 × 10 = 4, 14 का 4 हासिल की 1, 25 × 26 का 6 हासिल की 2, 5 × 10, 5 × 10 10 × 2 = 12, 12 × 64 = 35। आगे देखे स्टूडेंट्स 33वां क्वेश्चन, स्फूर्ति ने 37% लाभ पर जूतों की जोड़ी 2223 में बेचा, तो जूतों का क्रय मूल्य, तो 2223/117 बराबर है, तो अपन को 100 बराबर, तो ये चला जाएगा इससे 11 1, एक बार कितना बच जाएगा 117 और 5 1053, 1,2200, ये चला जाएगा इससे 100, 2, 2, 2, 3, 17, 117 का भाग 1 बार 117, ये चला जाएगा इधर 5, 0, 1,
9 बार 7 9 63 का 3 असली की 6 और 6 9 और 6 15 का 5 असली की 1 9 और 1 10 ये चला जाएगा 9 बार इससे 19 19 इंटू 100 बराबर 1900 उसका कॉस्ट प्राइस। आगे देखे स्टूडेंट 34वां क्वेश्चन, एक खिलौने को 1125 में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया तो खिलौने का विक्रय मूल्य 1125 में खरीदा और 100% में खरीदा और 16% हानि मतलब 84 में बेचा गया। 1125 बटा 100 इंटू 84 25 चौक 100 25 पंजे 125 चार से 21 बार तो 45 इंटू 21 945। आगे देखे स्टूडेंट, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है बी उसी काम को 8 दिन में, दोनों का लघुतम 8 6 48 ये 8 से 6 बार ये 8 बार। एक व्यक्ति 2000 की राशि को 9.25% की साधारण ब्याज वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश करता है तो प्राप्त ब्याज तो मूलधन होगा, तो साधारण ब्याज होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, पॉइंटर जाएगा नीचे आ जाएगा 100। 1 2 3 2 से 5 बार 5 से 5 1 5 4 5 8 40 55 25 185 इंटू 4 18 4 72 और 20 740। आगे देखे स्टूडेंट 37वां क्वेश्चन, 396 माइनस 39.6 माइनस 3.96 माइनस 0.396 तो माइनस का आ जाएगा 39.6 3.96 और हो जाएगा 0.396 तो 6 9 15 का 5 असली की 1 9 1 10 से 16 और 3 19 को 9 असली की 1 9 1 10 3 13 का 3 असली की 1 3 रेक 4 43 956 तो ये चला जाएगा किससे 396 से 43 956 तो 10 10 में से 6 चला जाएगा 4 10 में से 5 चला जाएगा 4 9 में से 9 चला जाएगा 0 इधर 5 5 में से 3 चला जाएगा 2 और 9 में से 4 चला जाएगा 5 और 3 352.044। आगे देखे स्टूडेंट 38वां क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है जबकि बी नल किसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है, दोनों का लघुतम 50 25 दुना 50 50 एकम 50। जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं मतलब 50 है 2 की स्पीड से भर रहा है 1 की स्पीड से खाली कर रहा है मतलब 1 की स्पीड से भरेगा 50 मिनट। आगे देखे स्टूडेंट 39वां क्वेश्चन, धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।